to you all to AJU TV. Myself Vishakha Pandey, a student of Journalism and Mass Communication. Today, we all are here to have a panel discussion or a talk show on a ragging topic, which is Empowering Voice, a Fight Against Ragging, which is organized by the Department of Journalism and Mass Communication of Arkajan University, addressed by Anti-Ragging Week. As we know, ragging is a burning topic of today's generation, and it's very important to discuss. And I don't think so a young place, which is a university, is any kind of lower to discuss this point. So let's start. We are having our four experts in our panels. Sneha from last year, Rahul from last year, Divya from second year, and Ali from second year. So starting with Sneha, I would like to request to have something to tell them about ragging. Good morning, one and all. So let's know more about what is ragging. Basically, ragging is something which people do in the name of entertainment or just to fulfill like fun activities, but the impact they create on the other person can be fatal. Ragging can be described as something you are making the other person do, going against their will. Either if you are asking their names or whatever that person information base it, that's fine. But in the name of ragging, if you are making them do such things which is making an impact on them mentally and physically, that is called ragging. And ragging can result to suicide or either some mental illness that will be there for the lifetime of the person. Arkajan University पढ़ाई के साथ साथ डिसिप्लिन का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। अगर कोई भी स्टूडेंट रैगिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, सिर्फ उसको एग्जाम को बैठने से रोका जा सकता है, उसका स्कॉलरशिप रोका जा सकता है, उसको हॉस्टल से बैन किया जा सकता है। ओवरऑल इनका कहने का ये मतलब था कि एक इंटरेक्शन के नाम पे किसी को भी बुली करना इज नॉट गुड एट ऑल. सो वी विल गो टू दिव्या टू हैव अनदर पॉइंट टू डिस्कस. देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ लॉज इन्फोर्स्ड बाय यूजीसी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, बट दे आर नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड वेल. सो वी हैव टू सी कि कैसे हम उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं properly. जैसे इफ वी आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ रैगिंग, अब्यूज सेक्सुअली, फिजिकली और वर्बली, इमोशनली, मेंटली, एनी टाइप ऑफ, तो वी हैव टू, देर आर एंटी रैगिंग डिपार्टमेंट्स, सो वी हैव टू इन्फॉर्म देम, वी हैव टू टेक स्टैंड अगेंस्ट इट एंड वी हैव टू रेज आवर वॉइस अगेंस्ट इट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर कुछ हो रहे हैं तो उसके बारे में इन्फॉर्म करें एक पर्टिकुलर बॉडी को जो उस चीज पे एक्शन ले सकता है. बिकॉज अगर आप खुद तक रखेंगे तो फिर दैट इज समथिंग जो सिर्फ आपको परेशानी देगा. तो इट्स वेरी बहुत अच्छा पॉइंट बताया उसने कि अगर आपको कोई भी किसी टाइप का परेशानी हो रहा है तो गो टू अ पर्टिकुलर बॉडी जहाँ पे उसका सॉल्यूशन है, तभी कोई भी लॉ या फिर कोई भी रूल्स इम्प्लीमेंट किया जा पाएगा. बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ रैगिंग हुआ है, बट कोई चीज मान नहीं पाते कि उनके साथ रैगिंग हुआ है. उनको ऐसा लगता है कि हम जस्ट हम अपने सीनियर्स के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, इन सब चीजों से उनको ऐसा लगता है कि अगर हम हमारा रैगिंग हो रहा है तो इससे शायद हो सकता है हमारा हमारे सीनियर के साथ में बॉन्डिंग अच्छा हो जाए. बट ऐसा कुछ होता नहीं है, होता है इसका सिर्फ उल्टा है, बात और हमेशा बिगड़ने लगता है. अगर आज उन्होंने आपसे डांस करवाया रैगिंग के नाम पर तो कल वो उससे और एक्सट्रीम जाएगा. इंडिया में ऐसा नहीं है कि रैगिंग के लिए कोई रूल्स नहीं बना है, बट कोई जगह पे तो मिसिंग होगा ना, कुछ तो मिस होगा. जब वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, वो रूल फॉलो नहीं हो पा रहा है, वो रूल के होने के बावजूद रैगिंग हो रहा है, तो कुछ तो पॉइंट होगा ना. तो अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई पॉइंट है कि इस वजह से शायद से रैगिंग नहीं हो पा रहा है तो प्लीज आप डिस्कस कर सकते हैं. कुछ भी ऐसा पॉइंट जो आपके मन में हो गई ये चीज होता है इसलिए ना हम लोग कंप्लेन नहीं कर पाते, ऐसा प्रॉब्लम इसलिए हम लोग कंप्लेन नहीं कर सकते. Ragging can also be जो बहुत बुरे कमेंट्स पास कर रहे हैं, कुछ ऐसे करने बोल रहे हैं, उनको नहीं अच्छा लग रहा है, बट फॉर द सेक कि वो लोग सीनियर्स हैं या उनसे सुपीरियर है, उनको कर रहे हैं.
तुमको नहीं अच्छा लग रहा है या बाद में जब तुम सोचोगे इस बारे में तो मेंटली बहुत अफेक्ट करेगा और वो एक इम्पैक्ट बना देगा, इट्स अ लाइफ लॉन्ग थिंग। और वो समझ नहीं पाता अपने आप को, अपने मम्मी पापा को नहीं बोल पाएगा कि मम्मी मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, अपने आप अपने मन को दबा देता है। अब वो लास्ट में ये हो गया तो जब इतना वो उसके साथ इतना ही मतलब उसके साथ इतना ही ट्रैकिंग हो रहा था तो वो हमने सह नहीं पाता और किसी को नहीं शेयर कर पाता था तो लास्ट में वो क्या कर रहा वो अपने आप मेरे को अपने ओके ओके आई गॉट योर क्वेश्चन। तुम पूछ रहे हो कि मतलब अगर किसी के साथ रैगिंग हो रहा है और हम वहां पर प्रेजेंट एट दैट टाइम और हम देख रहे हो उस चीज को कि उसके साथ रैगिंग हो रहा है तो हम उसको कैसे मतलब सही कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो इसके लिए सबसे पहले तो जैसे कि अभी किसी ने पॉइंट ऐड किया था कि एनोनिमसली हम रिपोर्ट कर देंगे जाकर के, तो देखो अवेयरनेस होना चाहिए। अभी यहाँ पर किसी को पता नहीं था ये चीज कि हम एनोनिमसली जाकर के रिपोर्ट कर सकते हैं। अब उस टाइम पे इंसान के दिमाग में ये चीज आता है कि अगर हम रिपोर्ट कर दिए तो हो सकता है मेरे को हार्म हो जाए, बट हार्म कैसे होगा जब तक तुम्हारा आइडेंटिटी ही रिवील नहीं होगा तो तुमको हार्म कैसे होगा भाई। अब किसी को पता ही नहीं है कि किसने रिपोर्ट किया तो वो किसी को भी जाकर थोड़ी ना कुछ कर देगा। तो ये सब चीज इंफॉर्मेशन होता है, पहले तो पूरा इंफॉर्मेशन दो कि क्या क्या चीज है तुम्हारे एनवायरमेंट में, तुम्हारे कॉलेज में। अगर हमारे कॉलेज में एनोनिमसली हम रिपोर्ट कर सकते हैं तो क्यों नहीं करें, हमें उससे कोई दिक्कत तो नहीं है, हमें उससे कोई खतरा तो नहीं है क्योंकि हमारा आइडेंटिटी भी रिवील नहीं हो रहा है और साथ ही साथ हमारा कॉलेज का जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव हो रहा है, तो हम ये कर सकते हैं। पर अगर आप देख रहे हो किसी बात से ऐसा हो रहा है तो ऑब्वियसली आप एक अकेले तो ऑन द स्पॉट कुछ नहीं कर पाओगे, बट एटलीस्ट की ये मेंटल थिंकिंग होना चाहिए आपका कि बहुत लोग हैं कि एटलीस्ट को रोक सकते हैं, जितना डैमेज हुआ उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकते बट एटलीस्ट उसको रोक सकते हैं। लेकिन हर टाइम आप एक और चीज कर सकते हैं कि मतलब जो देख रहा है ड्रैगन मुझे को देख रहा है तो सजेशन बॉक्स होते हैं उसमें अपना डाल सकते हैं जो भी उसने देखा है। ऐसे मुझे जब आपके साथ एक बार टाइम हो चुका है तो आप उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करेंगे, वी कैन आइडेंटिटी रिवील मत करें कि आपने इसको किया आपका आइडेंटिटी क्या है, और अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है तो आप मेक श्योर करिए कि आप पर्सनली ऐसा इंपैक्ट क्रिएट करें कि नेक्स्ट टाइम कोई आपके साथ रैगिंग करना या मिसबिहेव करना। सिंपल आंसर है कि अगर आपके साथ कोई अगर आपके साथ रैगिंग एक बार हो रहा है तब उसको सेकंड चांस ही मत दो, चांस ही नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा। सो इट्स वेरी इट्स आवर ड्यूटी टू अवेयर देम आल्सो जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। ओके थैंक यू, कीप वॉचिंग एजीयू टीवी फॉर मोर सच टॉपिक्स ऑफ discussion. Thank you.